हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं पांच नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के इस डेली डोज के सेशन में अभी तक 3 एपिसोड आपके लिए मैंने अपलोड किया है, जहां पर आपको 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि इसकी मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर जो मैं एग्जाम्पल्स देकर समझाया वो भी आप बखूबी समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें। जैसा कि मुझे याद है, मैं पिछले दिन जब देख रहा था, कुछ बच्चों ने इस पर भी कमेंट किया है और इससे हट करके भी कुछ सवाल पूछे हैं, तो बिल्कुल आगे आने वाले कमेंट बॉक्स का सेशन जो कि संडे को आता है उसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत जो सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड पर है, कुछ उससे हट करके भी है, इसका जवाब मैं वहां पर दूंगा। बंधु, मैं यहां आपको ये बता दूं कि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके डेली इंग्लिश में भी अगर आप स्पीकिंग राइटिंग की बात करते हैं तो उसे भी इंप्रूव करने में ये आपकी मदद करता है। साथ ही एग्जामिनेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो CHSL, CGL और स्टेनोग्राफर की जो टेस्ट होती है वहां पर ये idioms and phrases आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी आजकल इसके लिए अलग से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट में किसी ना किसी प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए इस एपिसोड को जब भी देखिए शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है इसको लिखना जरूरी है, आप नोट डाउन करके याद करने वालों में से हैं, दिमाग में रखने वालों से हैं, तो आप जरूर पेपर और पेन लेकर के बैठिए जब आप इस एपिसोड को देखते हैं और आराम से इसे देखिए। हर दूसरे तीसरे दिन आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, या तो नोट डाउन किए गए नोटबुक से रिवीजन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं, या आपके इसी चैनल पर लर्निंग टूल्स पर अवेलेबल होता है। बंधु, यहां पर चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन से 5 नए idioms and phrases में लेकर आया हूं। चलिए देखा जाए। आज के सेशन की शुरुआत भी हम ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसा कि मैं पिछले 3 एपिसोड से करता आया हूं। पहले दिन के 5 idioms and phrases की रिव्यू मैंने दूसरे एपिसोड में दी और दूसरे दिन के 5 idioms and phrases की रिव्यू मैंने तीसरे दिन दी। उसी प्रकार से आज के इस एपिसोड में मैं पिछले दिन जो 5 idioms and phrases बताया हूं उसे एक बार दोहरा देता हूं। पिछले दिन जो मैंने idioms and phrases आपके सामने रखे थे उसमें पहला था flogging the dead horse। flogging the dead horse, flog का मतलब मैंने कहा था चाबुक चलाना, और इसकी जो मीनिंग थी मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करने का मतलब है कि अपना जो एफर्ट है उसको वेस्ट करना, ऐसे जगह पर लगाना जिससे कि कोई फायदा होने वाला नहीं था। फिर दूसरा जो idioms and phrases मैंने बताया था लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब था तुच्छ समझना, किसी को नीचा दिखाना और यह सोचना कि आप किसी से भी बेहतर हैं। लुक डाउन अपॉन का मतलब तुच्छ समझना। तीसरा जो मैंने बताया था वो था फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक में मैंने बताया था कि किए गए को भुगतान करने के लिए तैयार रहना। मैंने ये कहा था कि म्यूजिक जब आप कहते हैं तो उससे अच्छा और बुरा दोनों मतलब आता है, क्योंकि हैप्पी के सॉन्ग भी हैं, जी हाँ, और सैड सॉन्ग भी है, खुशी वाले गीत भी हैं, खुशी वाला म्यूजिक भी है और दुख के भी म्यूजिक है। यहां पर जो इसका फेस द म्यूजिक है स्पेसिफाइड है कि जब आप कुछ बुरा करते हैं उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहना। चौथा जो मैंने बताया था वो था अंडर अ क्लॉड। अंडर अ क्लॉड कहने का मतलब था असमंजस की स्थिति में होना, दुविधा में होना, कुछ भी स्पष्ट नहीं होने के सेंस में हमने कहा था। जैसे आप कह सकते हैं स्टेटस ऑफ सस्पिशन और कंफ्यूजन, स्टेटस जो है वो कैसा हो तो कंफ्यूजन का हो, जहां पर कुछ चीजें असमंजस की हो, क्लियर ना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अंडर अ क्लाउड। और जो लास्ट में मैंने कहा था टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का जो सेंस मैंने बताया था वो बताया था ब्रीफ स्ट्राइक, और इस पर मैंने एग्जाम्पल दी थी 24 घंटे की हड़ताल। इसको टोकन स्ट्राइक इस बेसिस पर कहा जाता है कि अगर मजदूर
वर्कर्स लंबी हड़ताल पे जाने वाले हैं और एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखकर आपको हिंट देते हैं, तो उसे भी हम टोकन स्ट्राइक ही कहेंगे। चलिए इसी के साथ यहां पर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो पहला idioms and phrases मैंने लिया है वो है स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए कि जब आप इसे सोचेंगे तो स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना मतलब सब कुछ हटा देना, फेर देना, खत्म कर देने के सेंस में। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का जब आप मीनिंग देखते हैं तो इसका सेंस आता है थॉटलेस स्टेटमेंट। थॉटलेस स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा बोल देना, व्यापक वर्णन कह सकते हैं। यहां पर इसका सेंस भी जो है वो लगभग नकारात्मक ही आता है। स्वीपिंग स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि कुछ भी आपके पास कम जानकारी है बट आप बहुत ज्यादा बोल देते हैं, व्यापक स्टेटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं थॉटलेस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप कह सकते हैं नो वन शुड मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट ऑन लिमिटेड एविडेंस। नो वन शुड मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट ऑन लिमिटेड एविडेंस मतलब किसी को भी स्वीपिंग स्टेटमेंट यानी व्यापक बयान नहीं देना चाहिए अगर उसके पास लिमिटेड एविडेंस है। मतलब लिमिटेड एविडेंस के आधार पर व्यापक बयान नहीं देना चाहिए। नो वन शुड मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट ऑन लिमिटेड एविडेंस। आज का जो अगला idioms and phrases मैंने लिया है वो है ऑल एट सी। ऑल एट सी में आप देखेंगे तो समझ सकते हैं आसानी से कि सी कहने का मतलब जो है वो बहुत अथाह से है, असमंजस की स्थिति से कह सकते हैं, उलझन से कह सकते हैं। तो ऑल एट सी को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका सेंस होता है कंफ्यूज और नॉट नोइंग व्हाट टू डू। कंफ्यूज और नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या आप इसके लिए इससे भी आसान कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं पजल्ड। और हिंदी में अगर आप इसके मीनिंग को मैच कराएंगे तो इसके लिए कह सकते हैं फंसा हुआ, उलझा हुआ। ऑल एट सी का मतलब है फंसा हुआ, उलझा हुआ, पजल्ड, या फिर कह सकते हैं कंफ्यूज और नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं एवरीवन फील्स ऑल एट सी विद इंग्लिश। एवरीवन फील्स ऑल एट सी विद इंग्लिश। आज का जो अगला idioms and phrases है वो है इनफ रोप। अब रोप का मतलब होता है रस्सी और पर्याप्त रस्सी कहने का मतलब है पर्याप्त छूट। अगर आपके पास पर्याप्त रस्सी है तो पर्याप्त ढील दी जा सकती है, पर्याप्त छूट दी जा सकती है। That means, इसे अगर आप कहेंगे तो कह सकते हैं टू अलाउ फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। टू अलाउ फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स मतलब खुली छूट देना, किसी को पर्याप्त स्वतंत्रता देने के सेंस में हम कहते हैं एनफ रोप। रोप का मतलब रस्सी है और एनफ का मतलब पर्याप्त। That means to allow to do what one wants मतलब जो चाहता है कोई भी व्यक्ति उसे करने की अगर उसे आजादी दे, मतलब है कि पर्याप्त छूट देने के सेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई फील रोहन इज अ गाय हु कैन लीड इफ ही इज गिवन एनफ रोप। आई फील रोहन इज अ गाय हु कैन लीड इफ ही इज गिवन एनफ रोप मतलब मुझे महसूस होता है कि रोहन वो लड़का है जो इसे लीड कर सकता है अगर उसे पर्याप्त आजादी दी जाए। मतलब यह है कि अगर उसे पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए तो वो इसे लीड कर सकता है। आई फील रोहन इज अ गाय हु कैन लीड इफ ही इज गिवन एनफ रोप। आज का जो अगला idioms and phrases है वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब यहां देखिए स्टार्ट का मतलब है शुरू करने से और फिट का मतलब है अनुरूप होना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अनुरूप हो तो स्टार्ट होना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अनुरूप हो, तो जो चीज लगातार अनुरूप नहीं हो तो वो स्टार्ट नहीं होगी। दैट मीन्स इंटरमिटेंटली या इरेगुलरली, इसके लिए जो सेंस कहेंगे वो क्या कहेंगे इरेगुलरली या इंटरमिटेंटली मतलब अनियमित रूप से, रुक रुक कर, अनियमित रूप से या रुक रुक कर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ही वर्क्ड ऑन हिज बुक बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वर्क्ड ऑन हिज बुक By fits and starts, उसने अपनी किताब पर अनियमितता से काम किया। He worked on his book by fits and starts. आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है, वो है fall, fall off, fall, fall off. अब यहाँ देखिए F-A-L-L, fall, F-O-U-L, fall. Fall का सेंस यहाँ पर है बुरे से, जैसे आपने इसे कई वर्ड्स में सुना होगा false smell, F-O-U-L. तो यहां पर फॉल का मतलब है बुरा और फॉल का मतलब है गिरना, यानी बुरा में फंसने से। टू गेट इनटू ट्रबल विद, टू गेट इनटू ट्रबल विद यानी चंगुल में फंसना, बुरे स्थिति में फंस जाना, ट्रैप्ड हो जाने के सेंस में आप कह सकते हैं फॉल, फॉल ऑफ। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रमेश
fell foul of his best friend when he disagreed to his friend's opinion. When he disagreed to his friend's opinion. Ramesh fell foul of his best friend when he disagreed to his friend's opinion. मैं समझता हूं कि अभी जो पांच idioms and phrases मैंने आपके सामने रखे, ये बखूबी आप समझ गए होंगे, इसके मीनिंग और एग्जांपल्स भी आपके ध्यान में बखूबी आ गया होगा और आप इसे यूज कर पाएंगे। आज के सेशन में जो मैंने पांच idioms and phrases रखे, उसमें पहला था स्वीपिंग स्टेटमेंट, और स्वीपिंग स्टेटमेंट का जो सेंस था वो था थॉटलेस ओपिनियन, थॉटलेस स्टेटमेंट, या फिर कहेंगे व्यापक बयान। दूसरा जो मैंने बताया वो बताया ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है फंसा होना, कंफ्यूज होने के सेंस में, पजल्ड होने के सेंस में, कंफ्यूज और नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तीसरा जो मैंने बताया वो था एनफ रोप। एनफ रोप कहने का मतलब है पर्याप्त छूट होना, छूट देना, खुली छूट का होना। चौथा जो मैंने बताया वो था बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का जो सेंस था वो था इंटरमिटेंटली और इरेगुलरली। और जो आखिरी मैंने बताया वो था फॉल फॉल ऑफ, इसका मतलब था टू गेट इन टू ट्रबल विद, मतलब चंगुल में फंस जाना, ट्रैप हो जाने के सेंस में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि घर में रहिए। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ सकती है, और वैसे भी अभी जो निर्धारित 21 दिन की लॉकडाउन की सीमा है उसमें 3-4 दिन बचा हुआ है। आप अपने आप को घर में रखें, अपने परिवार वालों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहें, बिना मास्क लगाए, आवश्यकता बस अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं। कोशिश करें कि इस कोरोना की लड़ाई में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजी का पालन करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई लक्षण दिखता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर जरूर संपर्क करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दिनों समाचार में कोरोना के अलावा कुछ भी नहीं है और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि उम्मीद की गई थी कुछ वजहों से। मैं उसको बिल्कुल यहां पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। ये सब की अपनी एक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि क्या करें कि हमारे राज्य, समाज और देश का अच्छा हो। इसीलिए सब मिलकर के घर में रहें, सरकार के लॉकडाउन के प्रतिबंध का पालन करें, बेमतलब इधर उधर घूमने से बचें, स्वस्थ रहें। अगले दिन इसी जगह फिर पांच नए idioms and phrases के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।